मैं माँ हूँ, धरती माँ। पति पत्नी के रिश्ते की नींव विश्वास पर होती है। विवाह के समय जब एक पुरुष और एक नारी एक दूसरे से जन्म जन्म का बंधन बांधते हैं, तो आवश्यक नहीं कि एक दूसरे को पहले से जानते हों। वो दोनों एक दूसरे के दुख सुख बटाने का निर्णय भी लेते हैं। दोनों की एक दूसरे पर आस्था होती है। इस रिश्ते में एक दूसरे पर संदेह का कोई स्थान नहीं होता। और यदि दुर्भाग्य से किसी एक को दूसरे पर संदेह हो जाए और उसकी पुष्टि भी ना की जाए, तो परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आज मैं यही देख रही हूं। ऋषि जमदग्नि ने रेणुका के चरित्र पर संदेह किया। इस संदेह का कोई भी प्रमाण नहीं है। वो इस संदेह की धारा के प्रवाह में बहकर इतनी दूर निकल गए हैं जहां से वापसी संभव नहीं। परिणाम स्वरूप जो हो रहा है उसे देखकर तुम्हारी ही भांति मेरा मन भी कांप रहा है। हे माता, अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना। माता, मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा। और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा माते। क्षमा माते। जियो पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। पुत्र, तुमने आज्ञाकारिता का इतिहास रचा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। इस आज्ञाकारिता के पुरस्कार के रूप में आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। कुछ भी मांग लो पुत्र, जो चाहे मांग लो। मैं आज तुम्हें हर वो वस्तु दूंगा जिसका देना मेरे वश में है। मांग लो पुत्र, मांग लो। सत्य कह रहे हैं पिताश्री? क्या मैंने जीवन में कभी असत्य कहा है पुत्र? क्या चाहते हो तुम? अपनी प्रिय माता का जीवित शरीर। क्या क्या कहा तुमने? मुझे मेरी जीती जागती माता दे दीजिए। वो माता जिसके बिना इस जीवन का हर पल मेरे लिए नरक समान है। पिताश्री, मुझे अपनी माता के जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब चुप क्यों है पिताश्री? मैंने आपको आदेश पालन का वचन देने में एक क्षण का भी संकोच नहीं किया था।
आप अपना वर देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं संकोच नहीं कर रहा हूं पुत्र, पर तो सत्य तो यही है कि मैं इस वरदान के लिए तैयार नहीं था। मुझे समझने में देर लग रही थी पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और मुझे यह भी नहीं पूछा कि आज्ञा क्या है, तो फिर मुझे भी यह पूछने का अधिकार नहीं था कि वर का वचन देने से पहले यह पूछ सकता कि तुम क्या मांगोगे। मैं वचनबद्ध हो चुका हूं पुत्र, और तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार से वंचित नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चल लाओ पिताश्री, जल।
जब व्यक्ति महान बनने लगते हैं तो ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। सारी सांसारिक बातें उसके लिए छोटी हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। ऋषि जमदग्नि तो महानता के शिखर पर पहुंच गए थे, तो आपसे यह कार्य कैसे हुआ पिताश्री? तुम्हारी माता उस दुष्ट से हसराजुन से मिलने गई थी। आने में उसे विलंब हुआ। जब मेरी नित्य की पूजा का समय भी समाप्त हो गया तब धैर्य ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह होने लगा। जब आप जैसे गुरु आचार्य और शास्त्रज्ञ अपनी पत्नी के चरित्र पर केवल इसलिए संदेह करने लगे कि वो केवल कुछ समय के लिए आपकी दृष्टि से ओझल हो गई थी, तो फिर साधारण पति पत्नी के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास कभी प्रस्थापित नहीं हो पाएगा पिताश्री। तो क्या मेरा संदेह निराधार था? सर्वथा निराधार। इस बिना सिर पैर वाले संदेह का केवल एक ही आधार हो सकता है पिताश्री, कि मेरी माता एक नारी है और नारी के चरित्र पर संदेह करना एक पुरुष के लिए बड़ा सहज होता है। नारी को आतंकित करने का एक बड़ा सरल उपाय है। पिताश्री, आप तो एक आचार्य हैं, सर्वसाधारण को परिवार की महत्ता, पारिवारिक संबंधों की आवश्यकता और गृहस्थ जीवन को शांतिमय बनाने का संदेश और उपदेश आप ही देते रहते हैं। यदि आप जैसे आचार्य ही नारी के चरित्र पर संदेह करने लगेंगे तो नारी के लिए इस धरती पर जीना नरक समान हो जाएगा। किंतु पुत्र, आज मुझे बोलने दीजिए पिताश्री, आज मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि अनजाने में ही सही परंतु जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है उस घटना का मैं भी एक भागीदार हूं। नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो केवल आज्ञाकारिता का धर्म निभाया। आज्ञाकारिता हो या अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का धर्म, फिर भी पिताश्री, किसी भी पुत्र को यह अधिकार कभी नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माता पर ही हाथ उठाए। मैंने आपका आदेश जाने बिना आपको वचन देने की भारी भूल की है। संदेह ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी पुत्र। आज मुझे ज्ञात हुआ पिताश्री कि वो चाहे कोई महात्मा हो या एक सर्वसाधारण व्यक्ति, परंतु जहां बात एक नारी की आती है वो केवल एक पुरुष होता है। केवल एक पुरुष जो एक नारी को अपने से छोटा, अपने से अधम और अपने से निम्न श्रेणी का मानता है। अब भूल गए पिताश्री कि मेरी माता ने आपके लिए क्या क्या किया। वो एक राजकन्या थी, राजभवन के ऐश्वर्य में उनका जन्म और पालन पोषण हुआ था, परंतु केवल आपके प्रेम के कारण उन्होंने एक ऋषि की कुटिया को अपना घर संसार बना लिया। उस प्रेम, उस त्याग और उस स्नेह का यही पुरस्कार मिलना था उन्हें? नहीं पिताश्री, नहीं। यह अन्याय केवल मेरी माता के साथ नहीं हुआ है, यह अन्याय तो समस्त नारी जाति के साथ हुआ है। घोर अन्याय, अक्षम्य अन्याय, शंभो शंभो शंभो। पुत्र, मुझे आभास हो रहा है कि मैंने अनावश्यक शीघ्रता से कार्य लिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो अब केवल माता श्री कर सकती हैं, आपको भी और मुझे भी।